लेकिन जो दिया हमें जो ग्रेट फाइंडिंग है हम दिया है लगा था कोई ना पतारी फिर कर लीजिए रिकॉर्ड कर लीजिए ओके तो एक ये हो गया बिफोर मार्केट ओके सबसे पहले बिफोर मार्केट को क्लियर करते हैं मार्केट स्टार्ट होने से पहले जो भी लेवल आप निकालोगे जितने मेथड्स हमने आपको बताए हैं चाहे बुलिश फेरिश कॉन्ट्रीम्यूशन हो चाहे वी एस एस हो आपके चाहे एक्सेल एक्सएल से जो स्टॉक हमने निकालने के लिए बताया वो वाला स्टॉक हो या फिर सिंगल कैंडल फॉर्मेशन हो जितने भी मैथड्स बताऊँ उसके अकॉर्डिंग आपका एक निकल आता है पॉइंट ऑफ एक्शन ठीक है इस पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में मॉर्निंग में हमें क्या देखना है कि बहुत बड़ा गैप अप ना हो अब ये बहुत बड़ा की परिभाषा क्या है अगर आपका जीरो पॉइंट एट प्लस मोर देन जीरो पॉइंट एट परसेंट से ज्यादा मोर देन जीरो पॉइंट एट परसेंट का आपका गैप अप हो रहा है स्क्रीन पर uh, मत कीजिए मोर देन जीरो पॉइंट एट परसेंट का अगर आपका गैप अप हो रहा है ना तो वो स्टॉक आप ट्रेड नहीं करोगे उसको नहीं देखना है इसको अभी से रख लो अपने पास अब ये चीज होती कैसे है देखिए एक तो होगा कि प्रीवियस मार्केट में मार्केट की क्लोजिंग कहां पर हुई है लाइक ये हंड्रेड रुपीस पर मार्केट ने क्लोजिंग की अब यहां से जीरो पॉइंट एट परसेंट अगर इस जगह से जीरो पॉइंट एट परसेंट की हो गई गैप अप कर दिया इसने तो भी ये ट्रेड नहीं होगा दूसरी चीज प्राइस अगर आपके लेवल से आपको पॉइंट ऑफ एक्शन तो ये और यहां से दूर जाकर के जीरो की ओपनिंग कर देता ये ट्रेड तब भी नहीं होगा आपके पॉइंट ऑफ एक्शन और लास्ट क्लोजिंग प्राइस से मार्केट की ओपनिंग जो है जीरो पॉइंट एट परसेंट के अंदर ही रहनी चाहिए वो ज्यादा बाहर की तरफ अगर भाग रहे स्टॉक फिर उसको जाने दो फिर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ओपनिंग ही वो जीरो पॉइंट एट परसेंट पर कर रहा है जाकर के इसके बाद में कुछ उसकी मॉर्निंग की नाइन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव की कैंडल्स बनेंगी ना तो यहां से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मूवमेंट्स करेगा तो एक तरह से ये इग्नोर हम लोग कर देते हैं अभी कोई क्वेश्चन मत कीजिए नोट कर लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन आ भी रहा है मन में तो तो ये ट्रेड नहीं होगा ओके okay. अब लेस देन जीरो पॉइंट एट परसेंट के गैप्स के साथ मार्केट आपकी ओपन हो रही है और यहां पर आ रही है ये आपको पॉइंट ऑफ एक्शन बन रहा है मार्केट नीचे की तरफ गिरी में जा रही है यहां पर देखिए बिफोर योर ट्रेड एग्जीक्यूशन आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले मार्केट को वन परसेंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करने हैं नॉट मोर देन वन परसेंट वन परसेंट से ज्यादा अगर कोई स्टॉक चल गया तो वो ट्रेड नहीं होगा वन परसेंट या हम वन पॉइंट फाइव ही किया करते थे पहले लेकिन अभी वन परसेंट भी अगर कोई स्टॉक चल जा रहा है तो हम उसको ट्रेड नहीं करते है. आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अगर कोई स्टॉक वन परसेंट चल गया तो वो ट्रेडेबल नहीं है उसको हम छोड़ देंगे ओके okay. दूसरा Continuation. क्या हो रहे हैं देखिए मार्केट ओपन हुई और सीधे ये मूव आ गया तो भी ये स्टॉक ट्रेड नहीं होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर हम ये बोल रहे मोर देन लेस देन वन परसेंट का मूव होगा तो ही हम ट्रेड करेंगे

बट वो स्टॉक लेस देन वन परसेंट है बट उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन में ये तीन चार या पांच बड़ी बड़ी कैंडल बन गई जब मॉर्निंग में एक ही कैंडल आपकी बड़ी सी फॉर्म हो गई ये ट्रेड तब भी नहीं होगा जो भी लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी अपने उनको ऑलरेडी हम ये सारी चीजें बता चुके हैं उसको एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा और अगर शामिल करना चाहें तो सारी चीजें अपने उसमें शामिल कीजिए और जिन्हें वो सारी चीजें नहीं बताई हैं उनके लिए तो ये प, एक तरह के लेसन ही हैं एक तरह के चैप्टर्स हैं तो इसे अभी से अपनी प्रैक्टिस में आप लोग भी पूरी तरह से शामिल कर लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर मार्केट मॉर्निंग में फॉल हो जा रही है सिर्फ फॉल ही नहीं इसका वाइस वर्षा भी ले लो दो तीन कैंडल मार्केट अगर आप साइड की तरफ जा रही है तो छोड़ दो उस स्टॉक को ट्रेड करना नहीं उसकी जरूरत ही नहीं समझ गए ओके okay. ग्लिच है आज के दिन इसमें ठीक है मॉर्निंग स्ट्रक्चर्स अभी मॉर्निंग स्ट्रक्चर्स से हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में अभी मॉर्निंग स्ट्रक्चर्स क्या है वो प्राइजेक्शन जो हमें देखने होते हैं देखिए ओपनिंग ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या है लेस देन परसेंट का मूव होगा और वो सारा का सारा मूव आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर होगा लेस देन वन परसेंट मूव होगा और वो सारा का सारा प्राइजेक्शन आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर होगा इसमें आपको देखते हैं मॉर्निंग के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और दूसरा होता है एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एक फॉर्मेशन आपकी बन गई आप एग्जाम्पल ले लो इसका जैसे मदर कैंडल बनी अब इस मदर कैंडल के अंदर ही एक और भी मदर कैंडल फॉर्म हो गई तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं इस तरह से यहाँ पर हमें जो सपोर्ट मिल जा रहा है कि वो तो चली जाएगी लेकिन ब्रेक होने से पहले पहले इसके अंदर दो तीन कैंडल्स और फॉर्म हो गए हैं प्राइस सपोर्ट में सपोर्ट बना रहा है और यहां से क्या हो रहा है ना एक तरह से रेजिस्टेंस इसके प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना तो प्राइस यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक कर पा रही है नहीं प्राइस ने यहाँ से अपने हाई को ब्रेक किया सीधे लो पर आ गई और यहाँ से भी देखिए हाई ब्रेक नहीं हुए जैसे ही नीचे की तरफ मार्केट आई इसने क्या किया अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया अब देखिए क्या हुआ ना रेजिस्टेंस प्रोटेक्टेड यहां से ये भी रेजिस्टेंस प्रोटेक्टेड आपका ये वाला भी रेजिस्टेंस प्रोटेक्टेड बट यहां से ये जो सपोर्ट है ना ये वाला सपोर्ट ये आपका टूट गया, गया। ये ब्रेक हो इससे एक हमें यह अंदाजा मिल जा रहा है कि प्राइस अपने नेक्स्ट सपोर्ट को भी तोड़ सकती है और हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया है अगर नीचे की तरफ ये क्लोजिंग कर दे रहा है ना तो यहां से आप रिस्क ले सकते हो और यहां से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर से वही चीज ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे बाइंग और सेलिंग ये बात की बात है जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है जिन्हें नहीं बोला करने के लिए अभी मत कीजिएगा सिर्फ इनकी प्रैक्टिस ही आपको करनी है स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं अभी इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है अंदर के सपोर्ट पर हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस अपने नेक्स्ट सपोर्ट को भी नीचे की तरफ तोड़ देगा देखिए आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका एग्जांपल दिख जाएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मतलब हो गया आपका है? एक ट्रेड दिया था हमने करने के लिए आप लोगों को कौन सा था वो स्टॉक फार्मा सेक्टर का था देखिए डेली टाइम फ्रेम पर देखिए क्या हो रहा था यहां पर ये बन रहे थे कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट जैसे अप में ये हाई और ये बनता है आपका लो तो ये रेजिस्टेंस लग रहे थे कुछ ये वाले इन मार्किंग को डिलीट करते हैं ठीक है ये लग रहे थे अगेन देखिए प्राइस ने क्या किया रेजिस्टेंस ब्रेक रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन एक रेजिस्टेंस लगा प्रोटेक्टेड है यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और प्राइस ने क्या किया सपोर्ट तोड़ दिया क्या देखने से लगता है अगर ये वाला सपोर्ट टूट रहा है तो क्या ये वाला भी टूट सकता है ये दोनों ही जो, जो जोन बन जा रहे हैं हमारे ये इंपॉर्टेंट जोन बनते हैं ओवरऑल देखने से क्या लग रहा होगा आपको ना ये वाला सपोर्ट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया है वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी जैसे ये ग्रीन कैंडल इनकी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स यहां से ज्यादा आई है हो क्या सकता है कल के सेशन में कि मार्केट वापस से यहां पर एक रेड कैंडल क्रिएट कर दे अगर इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई नहीं टूटा और प्राइस इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा तो बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट जो क्लोजिंग होगी आपकी वो इस वाली स्विंग के नीचे ही हो जाएगी यहां पर कल की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग अगर यहाँ पर हो रही तो मेरे पास पॉइंट ऑफ एक्शन दिखाया है सेम चीज, सेम एक्टिविटी, अभी हम आपको करके दिखा रहे थे और यही यही चीज आपको कल इंक्लूडिंग के अंदर भी आपको यही चीजें देखनी है और इसके अलावा बाकी के जो भी चार्ट्स होंगे उसमें भी आपको सेम चीजें अप्लाई करनी है अभी हम लोग ये बिफोर पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले जिनमें भी आप पॉइंट ऑफ एक्शन अपने निकाल लोगे उसमें हम लोग किस तरह से ड्राइंग करेंगे वो बन रहे ये वाले पॉइंट हो सकता है कि जो आपकी ओपनिंग है नॉर्मल वे में यहां पर दिख जाए क्योंकि हैवल्स में अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा ड्रामा नहीं हो रहा है ये सिंपल वे में स्टॉक चलता रहता है सिंपल चलेगा इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा है ना और ये भी अपनी कॉमन एक बोल सकते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन ही है एक स्टॉक को लगातार जब आप देखते रहते हो तो, रिलायंस हो गया एच सी बैंक हो गया बजाज फिंसर हो गया बजाज फिनंस हो गया हीरो मोटोकॉप हो गया बजाज ऑटो हो गया ना ये ऐसे स्टॉक है ना इनमें एक्सिस बैंक है आई एकस, सी तो कितनी बार ट्रेड किया हम लोगों ने कितनी बार ट्रेड किया बहुत बार ऐसा होता था कि आई बैंक को हमने सेल किया और शिव ने बाई किया हुआ है दोनों लोग में कॉम्पिटिशन लगता था मॉर्निंग में मान लीजिए हमने बोल दिया कि मैं बाई करना तो वो कहते थे आज मैं इसको सेल ही करूंगा अब हम बाई करें वो सेल करें सेल ये नहीं है उनका तो हम इसमें सेल करके पैसा बना लेंगे दोनों में कॉम्पिटिशन लगता था और जिस दिन अगर उन्होंने बोल दिया तो हम भी देते कि ठीक आप सेल करोगे तो हम बाई करके पैसा बनाएंगे लगा रहता था उसी स्टॉक में सेम स्टॉक जिसमें दोनों ही लोगों का दो, दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों लोग प्रॉफिट लेकर के जा रहे हैं हमेशा ऐसा नहीं होता था कभी हम हारते थे कभी वो जीतते थे कभी वो ब, 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 हारे कभी हम जीते ऐसा चलता रहता था लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार गेम मतलब जब आपको एकदम इजी लगने लगे बिल्कुल गेम गेम की तरह आप खेलने लगोगे इसको खिलवाड़ नहीं है ये ये बहुत प्रोफेशनल चीज है लेकिन जब इतना आसान बन जाए आपके लिए कि आप बच्चों की तरह फिर मजे ले मजे ले ले करके काम करो उस हद तक अपने आप को आपको स्ट्रेस करना है स्ट्रेच करना है अभी आप बहुत पीछे हो आप मंडे को हमें एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हो और पूरे वीक में कोई काम नहीं हो रहा है क्या आपके डाउट होंगे क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे क्या आप आगे बढ़ोगे आप हमसे पढ़ रहे हो स्टॉक्स अप्लाई कर रहे हो जाकर के उसको ऑप्शन पर और शिकायत हमसे कर रहे हो कि आप जो चीज बता रहे हो वो काम नहीं कर रहे जबकि हमने आपसे सिम कह रखा है कि दो महीने आप कुछ मत करो सिर्फ एक फॉर्मेशन हम आपको बोल देंगे ना उस फॉर्मेशन की ही प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो कैंडल्स को चलता हुआ देखो कैंडल्स के बन जाने के बाद में दुनिया बता देगी आपको आज बाई करना था कि आज सेल करना था बनने से पहले देखो उसको अब यहां पर देखिए हैवेल्स का चार्ट बना नहीं है हो सकता है जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं हमारी गलत भी हो जाए कल के सेशन में पॉसिबिलिटीज है फिफ्टी फिफ्टी का मामला पड़ता है पूरा हम आज आपको बोल दें कि कल हो सकता है के अंदर रेड कैंडल दिखाई पड़े हो सकता है ग्रीन बन जाए ग्रीन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारी एनालिसिस गलत हो गई क्या या हम कम पढ़े लिखे हो गए ऐसा कुछ नहीं है हमारे हमारी एक्सपेक्टेशन या हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है चलिए कॉमन एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि के अंदर कल एक रेड कैंडल बनेगी और मान लीजिए कल इसके अंदर बन जाती है ग्रीन कैंडल तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो चीज हम लोगों ने सोची मतलब अपनी जो एनालिसिस थी इसके अंदर बननी थी रेड और बन गई ग्रीन एक्सपेक्टेशन थी अगर हमें शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलेगा तो हम करेंगे और अगर ये स्टॉक हो रहा तो हम बाई थोड़ी ना कर लेंगे बाई हमें करनी ही नहीं है ये 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 चीज मान करके चलेंगे अब हमें लग रहा था सेल होगा और ये हो गया बाई तो क्या करें तो खुद से खुद के ऊपर डाउट नहीं आने दो बार बार इससे अपना काम खराब होता है अब हमारी पर्सनल व्यू अगर देखोगे हेवल्स तो के अंदर तो कल शॉर्ट को शॉर्ट लेकर के हमें और जो ग्रीन कैंडल अपने प्रीवियस टू प्रीवियस डे में मार्क हुई है ना ये वाली कैंडल ये आपका एटीन है और ये है सेवनटीन सेवनटीन के सेवनटीन के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकली ये तब तक आपकी बियरिश ही है इसके अंदर रेड कैंडल ही आपको दिखेगी डेली टाइम फ्रेम पर आप कल देख लेना ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जा रही तो फिर तो वो अप में ही है है ना ये क्या हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर मार्केट एनालिसिस एक दिन पहले खुद को रेडी रखो तैयार रखो लेकिन लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है इसके लिए भी खुद को रेडी रखो अच्छे की उम्मीद करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो यही नियम होता है ये जापनीज एक कहावत है बहुत पुरानी अच्छे की उम्मीद करो कामना सब एक्सपेक्टेशन अच्छे की है लेकिन बुरी से बुरी कंडीशन के लिए रेडी रहो हमेशा रेडी रहो वही चीजें स्टॉक्स के अंदर है हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है ये पॉइंट ऑफ एक्शन बनने की वाली पॉइंट ऑफ एक्शन है एक नॉर्मल ओपनिंग हमें कल के सेशन में चाहिए अगर प्राइस इस जगह पर अपना ओपन हो रहा है और हमें मालूम है कि यहीं पर हमें सारा गेम हो सकता है अगर मार्केट नीचे निकले ना ये शॉर्ट कर देना यहाँ से आप सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग से नहीं यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं यहाँ पर आप अपने एंट्रीज लोगे तब यहाँ पर आप शॉर्ट करोगे इस तरह से काम करोगे कल के लिए और क्या चीज नहीं करनी है बहुत हद तक एक कैंडल और दो कैंडल के लिए काम मत करो कि एक कैंडल बन जाएगी या दो कैंडल्स बन जाएंगे या एक कैंडल का प्रॉफिट ले लेंगे इसके लिए काम नहीं करना है एक बड़ा ओवरव्यू रखो

सेल के कंफर्मेशन लेंगे सेल कर देंगे सेल करने के बाद में अगर बाई जा रहा है तो सेल अदरवाइज दे अपना काम करेंगे लेकिन ये नहीं करना एक स्टॉक में दो व्यू बना करके बाई हो रहा है अरे बाई कर ले बाई हो रहा है। चला गया सेल अच्छा चलो सेल कर देते हैं सेल लो इस, इसमें भी बड़ा लॉस दिखाने लगे अभी बाई करते देते ये सब ड्रामा नहीं एक पॉइंट ऑफ एक्शन एक व्यू हैवेल्स के अंदर कल शॉर्ट सेलिंग करनी है तो शॉर्ट सेलिंग ही करनी फिर हम बाई नहीं करेंगे ये मेरा अपना है आपको क्या लग रहा है इसको देख करके अगर आपको लग रहा है बाई तो फिर आप सेल नहीं करोगे फिर बाई ही करोगे भले ही ये लोअर सर्किट लगाते लेकिन आप नहीं करोगे कुछ इसके अंदर कल शायद इसके रिजल्ट्स है कुछ ड्रामा ये दिखाए हाई वॉलेटाइल हो जाए मौका मिलेगा इस लेवल से बहुत बड़ी बड़ी अगर कैंडल नहीं बन गई छोटी छोटी कैंडल्स बनती रही मेरे प्राइस पर ये आकर के सपोर्ट ले रहा है हम मार देंगे शॉर्ट यहां से ये करना है बहुत सिंपल बना करके रखना बहुत ज्यादा जैसे कि देखिए यहां पर हैवेल्स के अंदर क्या हुआ है जब हमने ट्रेड करने के लिए आपको दिया प्राइस ऊपर गया है और प्राइस सीधे नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर और हमने ट्रेड करने के लिए दिया टेक्निकली देखो तो ये ट्रेडेबल नहीं है रीजन दूसरा था ट्रेड कर ये वाला ट्रेड देने का लेकिन वैसे देखोगे तो टेक्निकली ये ट्रेडेबल था ही नहीं और पूरे दिन देखिए इसने सिर्फ हम लोगों की स्टॉप लॉसिस इसीलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि मॉर्निंग में अगर इतने बड़े आप मूव किसी भी स्टॉक के अंदर देख लोगे तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि पूरे दिन ये जरूरी नहीं कि आपको सेल ही हो जाए क्योंकि नाइन फिफ्टीन का हमने लो और ये थोड़ा सा मार्किंग करके कुछ इस तरह से दिया था हमने कहा था इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग होगी आप लोगों को शॉर्ट मार देना बारह बजे के शॉर्ट करना नहीं ग्यारह बजे के बाद में शॉर्ट सेलिंग या बाई अगर कुछ भी दे रहे हैं ना तो साढ़े ग्यारह बजे के बाद हम कुछ करेंगे नहीं तो है के अंदर कुछ नहीं हुआ फ्राइडे नो ट्रेडिंग सेशन कोई भी, कुछ भी नहीं तो किसी भी स्टॉक में अगर बड़े मूव हो जा रहे हैं तो नहीं करना है हाँ यहां पर देखिए क्या हुआ है ये देखिए मार्केट ओपन हुई सीधे हाई और ये बन गया खत्म मॉर्निंग की इस एक कैंडल ने ही सारा गेम खत्म कर दिया अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर वही स्टॉक ट्रेडेबल होगा जिस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आपको एक सिंपल अब ये देखिए ये स्टॉक ट्रेडेबल ही नहीं है खत्म हो गया ये ये देखिए मॉर्निंग में बड़े मूव हो गए ना ये देखिए बड़ा मूव हो गया खत्म हो गया आपको कि यहां पर हम ट्रेड कर लें अरे ये तो एसएल चला गया अच्छा यहां पर ट्रेड कर लें, ये तो एसएल चला गया अच्छा यहां पर चलिए शॉर्ट मार देते हैं शॉर्ट किए पता चला यहां पर भी असल चला गया नहीं करना है बड़ा मूव हो गया स्टॉक को तुरंत छोड़ दो ज्यादातर स्टॉक इसी तरह का मूव कर देते मॉर्निंग में ज्यादातर स्टॉक आपका जो काम होगा वो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना होगा कि जो एक सही प्राइजेक्शन मॉर्निंग में बना रहे हो सही प्राइजेक्शन का मतलब कि इस तरह के प्राइजेक्शन नहीं एक नॉर्मल प्राइजेक्शन अब जैसे देखिए ये भी नीचे गिर गिरी ट्रेडेबल नहीं छोड़ दो हटाओ ऊपर भाग गया नहीं करना है हमको ये है इस तरह के स्टॉक मिले ज्यादा चला भी नहीं है अब अगर ये स्टॉक आपके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल रहा हो तो अपडेट तो करोगे तो आपका काम है इस तरह के प्राइजेक्शन को फाइंड करना फिर ये जो स्टॉक इस होंगे इससे आपको फिर कुछ आउटकम देखने को मिलेगा

मूव कर गया ट्रेडेबल नहीं तुरंत छोड़ दो इसको हटा दो। चलिए ये तो हो गया बिफोर मार्केट अब इसी में एक चीज आप आ जाती है आपकी इसमें एक चीज आती है ड्यूरिंग मार्केट सेशंस ड्यूरिंग द मार्केट सेशंस अब ड्यूरिंग द मार्केट सेशन में क्या होता है देखिए एक हम लोग क्या काम करते हैं वन वीक को पूरा वन वीक ले लेते हैं सब लोग सुनिएगा इस चीज को पूरा हम लोग वन वीक ले लेंगे अब इस वन वीक में दो टेक्निक्स होती हैं फर्स्ट टेक्निक तो होगी कि हम लोग फुल वीक का हाई मार्क कर ले हाई ऑन हाई वन वीक्स, हाई इसके बाद में

एक हाई बनता है यह आप देखना कल से लाइव मार्केट में देखना आपको समझ में आ जाएगा हम बात क्या कर रहे हैं ये हो सकता है अभी ये चीज आपको पर पड़ लेना पड़े पूरे वीक का एक हाई लगता है इस हाई में आप देखोगे कि दो दिन ऐसे होंगे कि जहां पर दो हाई सेम लगे होंगे दो या दो से ज्यादा भी आपको दिख सकते हैं सेम हाई लगा होगा और इसके बाद मार्केट यहां कहीं क्लोज हो जाए लास्ट वीक तो इस पूरे वीक का एक हाई जहां पर दो दिन मार्केट ने लगातार रेजिस्टेंस लिए हैं आपका ये वाला पॉइंट बन जाता है एक रेजिस्टेंस और ये कोई मामूली रेजिस्टेंस नहीं होता यह बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है ब्रेकआउट के बाद में कम से कम वन परसेंट का मूव आप साइड की तरफ देखोगे और अगर प्राइस गलती से रिवर्स हो गया तो गिरता बहुत बुरी तरह से है ये हम लोग करते ड्यूरिंग दी मार्केट अभी तक जितनी चीजें बताई क्लियर है ना सब ड्यूरिंग दी मार्केट हो चाहे बिफोर मार्केट हो लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन और प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन मॉर्निंग के प्राइस एक्शन बार बार हम शुरुआत से लेकर एक घंटे से लगातार जो बोल रहे हैं ना इसको जरूर ध्यान रखना यही सारी चीजें हैं लोअर टाइम फ्रेम पर जितने वीडियोस हमने आप लोगों को देखने के लिए दिए वो सारे लोअर टाइम फ्रेम के वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट है पूरे वीक हम जितनी प्रैक्टिस आप लोगों से करवा रहे हो और लाइव मार्केट में जो क्वेश्चन आंसर आप हमसे कर रहे हो ना वही इंपॉर्टेंट है ये सब सेकेंडरी चीजें हैं आपको लगे अच्छा वन वीक कहा दुँँँ, हो जाएगा वन वीक के टू टच में जो हाइस बन रही है ये, ओके ये मिल गई इसे ये सब सेकेंडरी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर ज्यादा समय दे रहे हैं हम पॉइंट ऑफ एक्शन निकालो एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन निकालो आपका फिफ्टी परसेंट काम खत्म हो गया और अपने उस पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में आज के एक एक्शन निकालो जो एक्शन आपको ट्रेड करना है हो गया थर्टी परसेंट काम आपका यहाँ भी हो गया अब ट्वेंटी परसेंट बचा मनी मैनेजमेंट सब संभाल लेगा आपका मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी की तो जगह ही नहीं बची ना कहीं साइकोलॉजी आपकी बिगड़ेगी ही नहीं जितने रूल बता दी उन रूल्स को बस अप्लाई कर दो साइकोलॉजी बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ठीक है अब एक बार इस वाले इसका एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद में क्लास को क्लोज करते हैं फिर जो भी डाउट होंगे वो कल के सेशन में हम लोग लेंगे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है फिलहाल तो कुछ तो क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है कुछ डाउट होगा लेकिन फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कल क्लियर रखेंगे जो ट्रेड डिस्कशन है वो भी कल के सेशन में होंगे और क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड चलिए देखिए ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग काम कैसे करते हैं अपने लेवल निकालने के एक तो बिफोर मार्केट हमने निकाल लिए। अब देखिए मार्केट चल रही है यहां पर प्रीवियस वीक का एच डी एफ सी बैंक है ओके एच डी एफ सी बैंक ये हमने मार्क कर लिया ये मार्क कर लिया अब आपका काम ये है जल्दी जल्दी से बस स्पेस बटन दबाते जाइए और आपकी वॉशलिस्ट में स्टॉक्स ऐड होने चाहिए मेरे पास है और ये मेरी फेवरेट स्टॉक है मेरी फिक्स वॉच लिस्ट है एक एक स्टॉक हम देखते हैं इसके अंदर दो महीने दो महीने तीन महीने में कोई एक स्टॉक ऐड होता है स्टॉक ही हम वही ऐड करते हैं जो हम लगातार ट्रेड कर लेते हैं और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा होता है उसको लेकर के नहीं आप इसके अंदर वो एच को नहीं देख देखे हो हिंदुस्तान यूनिवर या शायद पढ़ा भी हो अभी दिखाता मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर ये रेड रेड में ही होगा ये है कहीं कहीं नहीं देखे हिंदुस्तानी लीलर इसमें ए बी सी डी ई एफ हिंदाल है एच डी एफ सी बैंक देखिए हिंदुस्तान हिंदुस्तानी कहीं नहीं है ये देख रहे हैं ये मार्क कर रखा है हमने उसको रेड में बहुत गंदा है स्टॉक हमें बिल्कुल पसंद नहीं मेरा एक्सपीरियंस स्कूल इसको लेकर के बहुत खराब रहा है और और कौन सा है एक जस्टाइल है जस्टाइल तो फिलहाल ट्रेड भी किया लेकिन इधर हमने बंद कर दिया उसको ट्रेड करना लगातार आप काम करते रहोगे तो समझ में आने लगता है कि क्या सही है क्या ब, 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 समझ में नहीं आ रहा है तो आपका काम क्या लगातार बस देखते रहिए कि वीक के नीचे कौन है लाइव मार्केट में कौन से स्टॉक आपके वीकली लेवल पर ट्रेड कर रहा है और वो सारी चीजें अप्लाई कर देना उसके ऊपर कि स्टॉक ज्यादा चला हुआ ना हो और ट्राइजेक्शन मॉर्निंग उसके स्ट्रांग होने चाहिए आप लोग जैसे डबल ए एल है अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर लास्ट वीक इसके अंदर हुआ क्या है ये देखिए सिर्फ इंट्राडे करो आप जब जब इस प्राइस पर आपके इस लेवल पर प्रीवियस वीक के लो पर जैसे मार्केट आ जाए सपोर्ट बन रहा शॉर्ट मार दो जब जब आपके लेवल के नीचे आएगा कौन सा स्टॉक है एपल है तो सब अमेरिकन स्टॉक्स हो गया आरती इंडस्ट्रीज है कुछ नहीं जस्ट आप प्रीवियस वीक का लो मार्क करो आरती हम लोग लो, जैसे प्राइस वाले लेवल के नीचे आकर के मौका देगा ना आपको काम करने का आप मार दो ट्रेड ये ड्यूरिंग दार्केट हम आपको बता रहे एक देखिए ये मार्केट की ओपनिंग है ये वाली खुल के ऊपर चली गई भगाइए इसको तुरंत हटाइए करना ही नहीं है काम गायब एक देखिए ये मार्केट की ओपनिंग है नीचे डायरेक्ट ऊपर विषय बन गई हम नहीं ट्रेड करेंगे इसको और एक जो ओपनिंग होगी आपकी डेली टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग कर ली अब हम आगे सीधे लोवर टाइम फ्रेम पर अब ये देखिए एक ये है अपनी ओपनिंग कितनी स्मूथ ओपनिंग है ये क्लोजिंग रही ये ओपनिंग पूरी मार्केट देख देखी कितना अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया ये हो गया वो अलग बात है हो सकता है बाद में जाकर के आपको स्टॉप लॉस भी ले ले हम दे देंगे ऐसे स्टॉक में हम स्टॉप लॉस भी दे देंगे -खुशी देंगे खुशी खुशी बट इस तरह के एक्शन अपने पॉइंट ऑफ पर आप निकालो ट्रेड मार दो नेक्स्ट इंपॉसिबल होता है चांसेस रहते हैं ऐसे जाने के लेकिन आपको मजा आएगा काम करके लेकिन एक सही चीज सही प्राइजेक्शन फाइंड करके आप ट्रेड मारो जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे वो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपनी एक्सरसाइजेस से जितने हमने करने के लिए दी है आप लोगों को और जिनकी सेकंड क्लास है उनके लिए सारी चीजें प्रैक्टिस मतलब इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए ना इसके ऊपर हो सकता है आधे लोगों के सर के ऊपर से ये बातें जा रही हूँ कि है कि ये पॉइंट ऑफ एक्शन और ये प्राइस एक्शन वगैरह ये वो 1 बोलने सब है क्या सब देखना आपको धीरे धीरे करके सब समझ पाएंगे जब ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएंगे ना तब याद आएगा अच्छा शुरुआत में सारी चीजें बताई थी यही है जो आपके काम आएंगे आगे चल करके एक चीज बहुत ध्यान से और गौर से समझ लो ये कुछ किताबी नॉलेज नहीं है ना किसी वेबसाइट से हमने ली है ना किसी बुक में हमको पढ़ा वा, 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 मिली है और ना किसी ने हमको ये पढ़ा दिया पढ़े हम भी है हमको भी किसी ने सिखाया ही है कुछ ना कुछ बीकॉम क्या उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी एम कॉम कम्प्लीट किया उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी लाइव मार्केट में इतने दिन से काम करें उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आप लगातार काम करते करते ही सीखते हो और ये वो सारी चीजें हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी कोई नहीं बताएगा समझ रहे हैं तो इन पर फोकस करो ये बहुत काम की चीजें हैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा मॉर्निंग में वो स्टॉक उठाओ जो कि आपके ट्रेडेबल लेवल पर है पॉइंट ऑफ एक्शन पर है और उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुए ऐसा स्टॉक उठा करके आप काम करो सिर्फ इतना सा काम करो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं हम लोग वापस से मानस second Mm hm दीपेंद्र आप आवाज सुन रहे हैं मेरी अपना हैंड रेस कीजिए अगर आवाज आ रही है मेरी तो दिलीप दीपेंद्र नहीं है दीपेंद्र सुन रहे हैं हम ओके ओके ठीक है ठीक 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 नेक्स्ट वीक में वन वीक का लो अराउंड स्टॉक फॉलो करना है जी मानस नेक्स्ट वीक में वन वीक का हाई और लो जो लास्ट वीक के आपके हाई लगे होंगे और जो लास्ट वीक का लो लगा होगा वही मार्क करोगे आप पाँच फाइव मिनट टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर करेंगे थोड़ा सा शिव शिव जी लोअर टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम तो वो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम है वहाँ कैसे आप लोवर टाइम फ्रेम कर दोगे मार्किंग डे वीक पर करोगे और फिर सीधे फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओगे तो मार्किंग वो आपकी हो जाएगी वीकली की और फिर सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के काम करने लगोगे नहीं ठीक है ठीक है ठीक कोई नहीं ओके आज का यहीं पर हम क्लोज करते हैं बाकी ब, जितने भी हैं क्वेश्चन आंसर कल के लिए रखेंगे लोग कल सभी लोग वापस रिजर्न कीजिए ओके थैंक्स गुड नाइट कल मिलते हैं हम लोग